ये देखिए दोस्तों, हमने सिर्फ एक नीडल्स लगाई इनको पाँव के ऊपर, इनको कंधा जाम है, कंधा जाम होने से हमने एक नीडल लगाई, इसको हल्का सा स्टेमुलेशन दिया है और इनका कंधा बिल्कुल ऊपर जाने लगा बिना किसी दर्द के। ये ताकत है एक्यूपेंचर की, एक्यूप्रेशर थेरेपी की, जो लोग आज भूलते जा रहे हैं और एलोपैथी की तरफ भागते जा रहे हैं। हर बीमारियां मेडिसिन से ठीक नहीं होती, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी ऑपरेशन के, सर्जरी के भी ठीक हो सकती हैं। सिर्फ एक नीडल लगाई है, एक नीडल एक पॉइंट पर लगाई है ST38 पर, और इनका हाथ यहाँ तक उठ रहा था। अब ये देख सकते हैं पेशेंट आपके सामने है, वो हाथ इनका पूरा लगा रहा है, उठा के दिखाओ जी। दर्द था पहले आपको? दर्द तो इतना ही था जी। हाँ, इतना दर्द था, उठाते तो उठा रहे थे तो इतना। लेकिन आपको सिर्फ कितना मिनट लगा है? 2 सेकंड लगे सिर्फ? 2 सेकंड लगा जी। कितना सेकंड लगा है? 2 ही सेकंड जी। 2 ही सेकंड, जोर से बोलो, 2 सेकंड लगे। 2 सेकंड लगा जी। और आपका हाथ पूरा ऊपर जा रहा है, जा रहा है बिना दर्द के? बिना दर्द के नहीं। सिर्फ एक नेडल लगाई हमने इनको, एक्यूपेंचर किया है, इतनी ताकत है अल्टरनेटिव मेडिसिन में। इनका हाथ 1.5 महीने से जाम था और ये हाथ पूरा नहीं उठा पा रहे थे, और सिर्फ हमने 2 सेकंड के अंदर एक नेडल लगाई है ST38 पर और थोड़ा सा स्टेमुलेशन दिया हमने इसको। ये देख सकते हैं एक्यूपेंचर चिकित्सा, थोड़ा सा स्टेमुलेशन इनको हमने दिया इस प्रकार से। स्टेमुलेशन दिया है एक्यूपेंचर नीडल्स पर और इनका हाथ पूरा झट से सिर्फ 1-2 सेकंड के अंदर इनका हाथ पूरा उठ गया है। ये ताकत है अल्टरनेटिव मेडिसिन की, ये ताकत है एक्यूपेंचर चिकित्सा की। तो दोस्तों, आपको अगर कहीं भी ऐसा दर्द है तो आप एक्यूपेंचर चिकित्सा ले सकते हो, एक्यूप्रेशर चिकित्सा ले सकते हो, न कि आप सभी को ही ऐसी मेडिसिन के, कई बार दर्द ठीक नहीं हो पाता। आपने कई बार तेल यूज किया है? हाँ जी, बहुत 300-400 300 मेडिसिन दवाइयाँ कैल्शियम वगैरह लिया है। हाँ जी, हाँ जी। हमने आपको कोई दवाई नहीं दी, दवाई आप कोई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक्यूपेंचर किया, सिर्फ एक नीडल से इनका कंधा पूरा ऊपर उठ गया। उठा के दिखाना एक बार दोबारा। हाँ जी, उठ रहा है, कहीं नहीं दर्द कर पा रहे, इतने परसेंट ठीक नहीं रहा था जी, अभी उठ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोग जागरूक हो सके, अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जा सके, आयुर्वेद की तरफ बढ़ सके, एक्यूपेंचर चिकित्सा को जान सके। धन्यवाद।